तो पहुंच चुके थे हम ढाबे पे, ये ढाबा इधर पे राधे कृष्ण ढाबा, और बाकी सोनू भाई वगैरह भी आ चुके थे और अपने दूसरे भाई भी। फाइनली फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं अपना कानपुर, ये कानपुर सिटी अपनी। तो फाइनली फ्रेंड्स, पहुंच चुका था मैं कानपुर, ये अपना इधर पे ट्रांसपोर्ट का ऑफिस, दिल्ली हिमाचल रोड कैरियर। दोस्तों, फाइनली पहुंच चुका था मैं कंपनी में और अपनी गाड़ी इधर पे हो रही थी, लोडिंग के लिए लग चुकी थी। दिखाता हूं मैं आपको, लोड हो रही थी गाड़ी अपनी। तो मंडी से निकल चुका था दोस्तों मैं, और अपना रिंग रोड से बाहर आके अपना प्रयागराज वाराणसी रोड पे पहुंच चुका हूं। तो करते अपने व्लॉग शुरुआत। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं पांडे ऑफिशियल 0028। तो वीडियो पे क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पे क्लिक कर लिया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और करते अब नई वीडियो की शुरुआत और आप लोगों को दिखाते अब आगे का सफ़र। तो मैं पहुँच चुका था अपना प्रयागराज रोड पर, और अब इधर पे ढाबे पर रुके और अब खाना वगैरह खाते इधर और फिर निकलते। अपने साथ दो गाड़ियाँ और हैं, एक अपने को मिले सोनू भाई अपने रामपुर से, और एक गाड़ी वही जो अपने साथ थी। तो तीन गाड़ियाँ हो चुकी अब। तो चलो अब खाते हैं खाना फ्रेंड्स और फिर इधर से निकलते। अपने को जाना है कानपुर, तो कानपुर से अपना शायद सुबह लोडिंग का बन जाएगा। ट्रांसपोर्ट में बात करी थी भाई से कि वो बोल रहे थे कि आ जाओ बन जाएगा लोडिंग का, इधर पे बहुत मंदा था। फिर इधर भी ट्रांसपोर्ट में कॉल करी थी, वो बोल रहा था भाई कि अभी बहुत मंदा है, दो तीन दिन कुछ माल नहीं निकलेगा। पहले भी दो तीन गाड़ियां भाई के पास खड़ी थी, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट में मैंने कॉल करी थी। तो चलो सफ़र कंटिन्यू करते और खाना खाते, तब मिलते आप लोगों को फ्रेंड्स खाना खाने के बाद। तो पहुँच चुके थे हम ढाबे पर, ये ढाबा इधर पर राधे कृष्ण ढाबा, और बाकी सोनू भाई वगैरह भी आ चुके थे और अपने दूसरे भाई भी, भाई सोनू भाई के साथ है। बाकी भाई की गाड़ी तो आपको पिछले व्लॉग में दिखाई थी मैंने। तो चलो अब कर लेते हैं डिनर फ्रेंड्स, बाकी मिलते हैं आप लोगों को डिनर करने के बाद। तो गाइस, फाइनली निकल चुका था मैं होटल से खाना खा के, तो अब अपना सफर कंटिन्यू है। अब तो रोड बहुत सुधर चुका है, पहले इस रोड पे बहुत जाम लगता था अपना, दो दो ढाई ढाई घंटे का जाम तो टोल टैक्स पे ही लगता था, क्योंकि पहले सिंगल रोड होता था है। और अभी मतलब दो तीन साल जब से ये मतलब हाईवे बना है, नहीं तो सिंगल रोड ही होता था है। उस टाइम बहुत जाम लगता था इस रोड पे, क्योंकि जिस वक्त मैं ड्राइविंग करता था तो LP चलाता था। उस टाइम एक बार आया था मैं इधर से अपना मतलब प्रयागराज के लिए, और अपना एप्पल लेके प्रयागराज आया था, तो बहुत बुरा हाल था उस टाइम रोड का, बहुत जाम लगता था उस टाइम पर। अब तो बहुत सुधर चुका है, ये चेक करो आप, जब बाईपास भी इतना अच्छा हो चुका है तो सिटी वाला रोड तो बहुत ही अच्छा होगा। पहले तो बाईपास भी नहीं होता था यहाँ पे, मतलब सिटी होके ही सारी गाड़ियाँ जाती थी, उस वक्त बहुत जाम लगता था, पर अब उतना जाम नहीं लगता है फ्रेंड्स। अब तो रोड बिल्कुल खाली है। का व्यू देख सकते हैं आप लोग, ये अपना प्रयागराज वाराणसी हाईवे। सुबह के 6 बज चुके हैं दोस्तों, और 7 बजे को मैं पहुंच जाऊंगा। गाड़ियाँ और थी, सोनू भाई और अपने नावटी भाई।
बढ़ रही है, नींद भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी। चलो अब पहुँच के रेस्ट करेंगे, 40 किलोमीटर सफर रह चुका है। और बाकी खाली गाड़ी उछलती बहुत है दोस्तों अपना। एक तो रोड PSIA रोड के बहुत बुरे हाल है, सीमेंटेड रोड है, सीमेंटेड रोड पे गाड़ी खाली गाड़ी उछलती बहुत है। चलो मिलते तब आप लोगों को आगे की वीडियो में फ्रेंड्स। फाइनली फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं अपना कानपुर, ये कानपुर सिटी अपनी, चेक करो। तो फाइनली फ्रेंड्स पहुंच चुका था मैं कानपुर, ये अपना इधर पे ट्रांसपोर्ट का ऑफिस दिल्ली हिमाचल रोड कैरियर। तो आज गाड़ी अपनी हुई नहीं लोड, फिर सुबह आके सो गए थे, रेस्ट कर लिया था, एक गाड़ी निकली सोनू भाई वाली, तो अपनी हुई नहीं आज लोड, बाकी देखते कल क्या बनता। अब चलो मिलते फ्रेंड्स तब आप लोगों को सुबह। और ये अपनी गाड़ी इधर पे फ्रेंड्स, आज हुई नहीं लोड, देखते अब कल क्या बनता प्रोग्राम नेक्स्ट लोडिंग का। तो फाइनली दोस्तों अपना लोडिंग का बन चुका था, आप सबको सोनू शर्मा की ओर से प्यारी सी जय सिया राम। तो अब जाता हूँ लोड करने और तब मिलते आप लोगों को। अपनी गाड़ी लगी है लुधियाना के लिए, तो चलो फ्रेंड कंपनी में पहुंच के आप लोगों को मिलता हूँ तब। निकलते हैं यहाँ से कंपनी से और लोड करके करते टाइम मिलता हूँ आप लोगों को तब। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका था मैं कंपनी में और अपनी गाड़ी इधर पे हो रही थी लोडिंग के लिए, लग चुकी थी, दिखाता हूँ मैं आपको, लोड हो रही थी गाड़ी अपनी। तो गाइस फाइनली लग चुकी थी अपनी गाड़ी लोडिंग के लिए, ये पता नहीं कुछ लोहे का सामान है इसमें, इधर से आ रहा है, और अपनी गाड़ी लग चुकी थी लोड होने। तो चलो मिलते हैं आप लोगों को फ्रेंड लोड करने के बाद, गाड़ी कर लेते हैं लोड, तब तक धूप बत्ती कर लेता हूँ, तब मिलते हैं आप लोगों को लोड करने के बाद। गाइस फाइनली अपनी गाड़ी लोड हो चुकी थी, रस्सा तरपाल मैंने पा लिया, बिल वगैरह मिल गए, तो अब इधर से निकलते हैं। और अपना सोनू भाई वेट कर रहा है इटावा के साथ, तो खाना भी भाई के साथ ही खाएंगे। तो चलो मिलते दोस्तों तब आप लोगों को, निकलते इधर से, जय सिया राम। तो गाइस फाइनली निकल चुका था मैं लोड करके और अपना होटल पे पहुंचने वाला हूँ, जिधर पे अपना सोनू भाई रुका हुआ है। तो फिर होटल पे पहुंच के खाना भी खा लेंगे, क्योंकि भूख भी बहुत लग चुकी है, तो रात के 11 बज चुके हैं। और मिलते तब आप लोगों को होटल पे पहुंच के दोस्तों। अपना आगरा कानपुर रोड। तो गाइज फाइनली होटल पे पहुंच चुका था मैं, खाना हमने खा लिया और अपने को सोनू भाई भी मिल चुके थे इधर पे। और ये सोनू भाई की गाड़ी और ये भाई अपने साथ, और खाना हमने खा लिया, तो अब इधर से निकलते हैं फ्रेंड्स। चलो तो मिलते हैं आप लोगों को आगे के सफर में, सफर कंटिन्यू करते हैं। ये सोनू भाई जाते हुए, कैसे तो लगते हैं,